आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जी हाँ गाइस, आज की वीडियो होगी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि आज हम कुछ मतलब क्रेजी करने वाले हैं। ये माइक्रोस्कोप को आप जानते होंगे और को इस्तेमाल किया काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और पता भी नहीं चलता तो आज हम इसी को ही देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये मैग्नीफाई कर पाता। वैसे इसके साथ मैंने एक ये रखा हुआ था, स्पेसिमन कहते हैं इसे, या फिर वो भी कह सकते हैं आप। सो मैंने मिर्ची नहीं होती, मिर्ची के पीसेस डाले हैं, रेड चिली जो होती है पाउडर वाली नहीं, जो सिंपल होती है रेड चिली, वो डाली हुई है। और फिर मैं उसे देख रहा था सुबह, मैंने इसमें सेल डाले और ये काम करने लग गया था। और मैं सोचा कि मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप लोगों को भी थोड़ा दिखा दिया जाए कि मतलब हम साइंस में भी बहुत अच्छे हैं। तो कैसे, मैंने पहले को प्रोजेक्ट्स बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो उस टाइम पर मैंने शौक में परचेज़ किया था। और तो उसके बाद ऐसे सजाने के काम ही आता है, और वैसे चलता तो है, इससे काफ़ी अच्छी मैग्नीफिकेशन हो जाती है। और ये कुछ इस टाइप से होता है, इसमें ये जो पीसेस देख सकते हैं रिमूव होते हैं, लेंसेज इसमें लगे हुए हैं, ये देखो ऐसे करके ये मतलब चेंज हो जाते हैं। एक है 200x पे, एक 100x है और एक 450x। इसमें तीन मोड्स हैं और वो आपको बता दिए, मैंने ख़रीदा था IDH मार्केट से ख़रीदा था, 250 का था और काफ़ी मज़ेदार सा था। इसके साथ बहुत कुछ मिला था पर कुछ चीज़ें गुम गई हैं अभी मेरे पास। सिर्फ दो इसके ये वाले हैं, ग्लास ट्रे होती हैं वैसे तो ये, पर ये इस पर प्लास्टिक की मिली, क्योंकि ये मतलब छोटे बच्चों के लिए था। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है और इसे टेस्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसा मतलब लगता है। हम इसमें कुछ मतलब थोड़े से प्लांट्स के भी थोड़ा सा कुछ डाल के देखेंगे, कोई मतलब झूठे हुए पत्ते होते हैं। और उसके बाद मैं इसमें मिट्टी भी थोड़ी डालूंगा, फिर हम चेक करेंगे कैसा व्यू आता है। ये जो होल है ये खुल जाता है ऐसे करके, उसमें मैं कैमरा जब डाल इसका कैमरे का लेंस डालूंगा तो आपको सही से दिख जाएगा। ये गाइस, ये अपना माइक्रोस्कोप इधर आ चुका है। ये हमारे पास दो इसके सैंपल्स हैं और साथ में हमारे पास टेप है, टेप इसलिए क्योंकि इसके साथ पहले एक वाइट स्ट्रिप आती थी टेप वाली, जिस पर राउंड राउंड होते हैं, तो ये इसके बिना वाइट मैंने पेज अभी लगाया हुआ क्योंकि वो सर मेरे से गुम हो गए थे। तो इसके ऊपर जब हम इसे रखेंगे, ये प्लेसमेंट इसकी ऐसी होती है, यहाँ पे एक स्विच है, ये मतलब वो नहीं है कि फुल्ली मैग्नीफाई लेंस करें, पर ये कुछ इसका अलग से सिस्टम है, ये मैंने पहली बार देखा है। जैसे ऐसा स्विच ऑन करेंगे तो इसमें लाइट आ रही है, देखो अगर आपको दिख रहा हो ये लाइट आ रही है, इसे मैं ऑफ कर रहा हूं, बंद होती है, ये लाइट है इधर, तो इधर लाइट आ जाएगी अपनी। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है एक ट्रे होती है छोटी सी, इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं जैसे कि आपको पता हो, और इसे हमें डाल देना है इसके अंदर। ये मतलब ऐसे डलेगी, यहाँ से हम टाइट और लूज़ भी कर सकते हैं, हमें किधर को लेके जाना है। और इधर से है स्प्रिंग जिससे खुल जाएगा, इसको ऐसे खोल देंगे हम, और उसके बाद इसमें स्लाइड इन कर देंगे हम, मैं उल्टी डालूँ, स्लाइड इन कर देंगे ट्रे लाइट के ऊपर और इसे हम कर देंगे बंद। बाद इसे टाइट कर देंगे थोड़ा हो जाए वेरी टाइट, इसे अब टाइट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। और फिर टाइट करने के बाद जब हम इसे देखेंगे फोटो लग गया है, जब हम इसके फिर देखेंगे लाइट ऑन कर देते हैं, फर्स्ट लेंस नहीं लगा हुआ, लाइट ऑन कर दी है हमने और इसके ऊपर प्लेसिंग कर दी, और इसके ऊपर देखेंगे तो हमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखाई देंगे। और तब ये अपना माइक्रोस्कोप भी रेडी हो गया, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर से कैसे दिखता है। माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर दिख रहा होगा अभी रेड रेड आपको छोटे छोटे था, और ये देखो अभी आपको इधर से थोड़ा पास करेंगे तो ये ब्लर हो जाता है, तो मैं इसको जैसे रोटेट करूँगा तो ये हमारा आ गया 100x पे। इस पर आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, देखो इसको मैं अंदर भी करूँगा ना तब भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा ना फ़ोन ऑटो फोकस थोड़ा मतलब इसका ख़राब जा रहा है। और ये है अपना 400x, इस पर तो ब्लर ही हो जाता है, 450x पे देख सकते हो आप, 450x इधर लिखा भी हुआ है, और ये इतने पे तो ब्लर हो जाता है। और इस पर भी हम थोड़ा सा मतलब देखते हैं, देखो इस टाइप से आपको दिखेगा। तो जी हाँ गाइस, अभी आपने देखा होगा कि मतलब आपको इसमें व्यू कैसा आ रहा होगा, आपको छोटे छोटे से रेड रेड कलर के इतने इतने दिख रहे होंगे, और वो इतने माइनर माइनर रेड कलर के पार्टिकल्स हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और अभी मैं आपको एक ट्रे सेट करके भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कितना मुश्किल होता है ट्रे को सेट करना बिना स्टिकर्स के। वैसे अगर स्टिकर होते तो वो उसको सेट करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, वो 10 से 20 मिनट में हो जाता है। तो अभी हम थोड़ी मिट्टी लेके आते हैं, मिट्टी डालेंगे और चेक करेंगे उसमें क्या हमें देखने को मिल जाता है, क्या पता कोई लिविंग क्रीचर ही मिल जाए अंदर। तो चलो चलते हैं, मिट्टी लेके आए, और मिट्टी हम लेंगे कौन से, हम ये वाले लेंगे, ये वाला हमारे पास एक गमला पड़ा है, ये काफ़ी पुराना है, इस पर ऊपर ग्रीनरी भी आ गई थोड़ी सी, तो ये ग्रीन कलर की थोड़ी सी हम मिट्टी लेंगे
या गाइस ये कुछ इस टाइप का भी आपको भी आ रहा होगा। और ये अपनी ट्रे है, इसका जो हमने स्टिकर है पहले तो ये उतारना है, और तो ये जो मिर्ची है इसको हटाना पड़ेगा। हम करते हैं कि टेप फिर से लगाते हैं, टेप हटाने का काम आ गई। ये अपनी होगी क्लियर, और उसके बाद अभी हमें इसमें डालना जो हम सैंपल आए थे ये रहा, इसमें खाना आराम से यार ये टूट ही गया। ये रहा हमारा सैंपल, इसे हमें जौन सी जगह एक्सपोज करके हमने दिखानी है, उसे हम बैकवर्ड करेंगे। जैसे अभी मेरे को ग्रीन वाला पीस चाहिए तो मैंने इसको नीचे की तरफ कर दिया और कुछ पीसेस ऊपर की तरफ रहने देते हैं छोटे छोटे हैं। फिर उसके बाद इसे सील कर देंगे हम ऐसे ही, और ये देखो अपना इधर हो गया सैंपल कलेक्ट। तो गाइस माइक्रोस्कोप की टेस्टिंग करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। ये देखो ये अपना माइक्रोस्कोप इधर पड़ा और इसके सैंपल हमारे पास इधर पड़े हैं, और अभी तो मैंने एक स्ट्रिप इस्तेमाल किया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, कुछ नया सीखने को भी मिला आज, और आपको भी मैं होप करता हूँ सीखने को मिला होगा। तो जी हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। We'll be right back.